आईपी डे है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इसका आयोजन एमएसएमई डिपार्टमेंट ने किया है। मंच पर आसीन हमारे जो एमएसएम आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक रोशन जी, हमारे डायरेक्टर एमएसएमई प्रदीप कुमार जी, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी दिलीप कुमार जी, हमारे सीआईएमपी के डायरेक्टर हमारे राणा सिंह जी, हमारे बीआईएस के डायरेक्टर सुमन जी और हमारी मैडम यहाँ पर बिहार महिला उद्यमी संघ की अध्यक्ष श्रीमती उषा झा जी, परिमल जी, अन्य सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित मित्र। यह वास्तव में यहाँ आने के पहले मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि आईपी इतना महत्वपूर्ण है। अभी मैं जब हम लोग ट्रेडमार्क और ये सब चीज़ सब अपना कर लेते थे और उसके आगे और कुछ अधिक नहीं जानते थे, लेकिन जब मैं अभी कुछ दिन पहले मुझे बताया गया कि आईपी का क्या क्या महत्व है, खास करके बिजनेस के लाइफ में, तब मुझे समझ में आ रहा है कि आईपी वास्तव में हम लोग को हमेशा इसको डिस्कस करना चाहिए और इसकी उपयोगिता को का लाभ हम लोग को उठाना चाहिए। आज हम लोग नए नए चीज़ें इनोवेट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में और उसका हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं अपने बिजनेस में। खासकर आज महिलाएं जो हैं वो नई नई चीज़ें इनोवेट कर रही हैं, शुरू आज से नहीं, शुरू से। लेकिन कोई भी हमको नहीं लगता है कि बिहार में खास करके कि कोई पेटेंट उन्होंने अपना प्रोडक्ट का कोई चीज़ कराया, चाहे वो कितनी भी उपयोगी चीज़ क्यों ना। इसी तरह से हम सिर्फ महिलाओं का बात की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार में इस तरह का बहुत ही अभाव है और उसमें सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग को जानकारी नहीं। तो आज जो डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई ने जो किया है उसके लिए डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि ये अभी जो दिन भर सेशन चलेगा उसमें बहुत सी जानकारियाँ हम सभी लोगों को मिलेगी और आगे हम लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू एक बार सभी एमएसएमई डिपार्टमेंट को फिर से धन्यवाद और सभी लोगों को भी थैंक यू वेरी मच।